सागर में आईपीएल सट्टा जोरों पर चल रहा है। पुलिस ने सट्टा खेल रहे सटोरियों के दो अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की और चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से बड़ी रकम के साथ एक देशी कट्टा, एक रिवॉल्वर, टीवी, सात मोबाइल फोन और दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। सागर में पुलिस ने सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आईपीएल के दौरान कुछ लोग लंबे समय से सट्टा खिलवाने में लगे हुए थे, लेकिन इन पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। पुलिस ने अलग अलग दो ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां इन सटोरियों के पास से 63,09,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही एक देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, टीवी समेत चार मोबाइल फोन और दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सट्टा दो सगे भाई गौरव साहू और रूपेश साहू खिला रहे थे। इनमें गौरव गढ़कोटा कृषि उपज मंडी का कर्मचारी भी बताया जाता है। दूसरी कार्रवाई कटरा क्षेत्र में की गई है, जहां से लोगों को सट्टा खेलते पकड़ा गया है। आईपीएल के सट्टे की एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अभी तक चार आरोपियों को पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया है। उनसे जो है 63,09,000 रुपए जब्ती हुई है, साथ में एक टीवी, सात मोबाइल, एक रिवॉल्वर भी इनसे मिला है और एक कट्टा मिला है और दो कारतूस मिले हुए। पुलिस पूरी इसमें पड़ताल करेगी कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, इनका क्या नेटवर्क है, अगर इनके पास आर्म्स हैं तो आर्म्स कहाँ से आए हैं, ये सारा अभी विवेचना का विषय इसमें रहेगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।